हेलो गाइस, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं एसनैन फारूक व्लॉग्स और ये मेरा प्यारा सा छोटा सा भाई अदील हुसैन। अदील हाय करो, कैसे हाय। हो? ठीक हो? काफी दिनों के बाद गाइस मेरा छोटा भाई आपको क्या कहते हैं व्लॉग नजर आया होगा, क्योंकि मैं था हैदराबाद, वहीं पे मैं व्लॉग कर रहा था। मेरी बाइक भी 2 से 3 महीने कम से कम शायद मेरी हैदराबाद थी, तो इस वजह से व्लॉगिंग सारे मैं हैदराबाद कर रहा था। यहाँ पे आ रहा था लड़काने पर, मैं व्लॉग नहीं कर रहा था। और तुम सुनाओ, कैसे हो? पतंग उड़ा रहे हो? गाइस शायद ये भी मेरा छोटा भाई भी इसको शौक है पतंग बाजी, है ना? वो पतंग उड़ाता भी और काफी अच्छा उड़ाता है। और ये भी इंशाल्लाह ब्लॉग बनाएगा, तो जब बनाएगा तो मैं आपको बता दूंगा। इसका भी चैनल आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? तो आज मेरे मोटो ब्लॉग बनाने का मकसद ये था कि आज हम थोड़ा मुख्तसर ब्लॉग मोटो ब्लॉग करेंगे, लाड़काना सिटी की राइड करेंगे। उसकी वजह यह है गाइज कि मैंने एक आज जो है ना एक हेलमेट मंगवाया है, ये वाला, ये है अल्पा का, बजट हेलमेट है, कोई महंगा नहीं है। वैसे जो मैं मोटो ब्लॉग करता था वो इस पे करता था, टैक हेलमेट पे। और ये जो सेटअप आप देख रहे हो ये इस पे लगा होता था, ठीक है? और इस पे अभी भी मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे अभी भी वो पुराना माइक लगा हुआ है, लेकिन मैंने इस पे नहीं उतारा, ठीक है? अभी मैं, क्योंकि मैंने आज एक नया क्या कहते हैं, एक आज हेलमेट के साथ साथ यहाँ पे मैंने एक क्या कहते हैं एक माइक मैंने मंगवाया था, जो कि इसमें बहुत ही मुश्किल से फिट आया है, क्योंकि तार इसकी लंबी होती है। जो छोटी तार वाले होते हैं वो उतनी क्वालिटी के अच्छे नहीं होते ना। तो और इसमें एक मिनट सुन। अच्छा, इसको एक्चुअली मोटो इसको व्लॉगिंग का बहुत शौक है। तो अदील 5 मिनट ब्रेक दो, ये व्लॉग पूरा हो जाए फिर आप कर लेना, ठीक है? तो इसमें आप देख सकते हो कि ये जरा इसका ये बड़ा है चैन, ठीक है? तो समय मुझे लगता है कि इसमें सही सेटिंग वो नहीं आ रही थी, इसमें है छोटा, तो मेरे ख्याल से इसमें और अच्छी आएगी सेटिंग। खैर, हो सकता है कि मेरा वहम हो। ये अभी हम एक राइड करके आएंगे लाड़काना की, और फ्यूल भी हम डलवाते हैं ताज पेट्रोल पंप से, ठीक है? क्योंकि आज मेरी आज है थर्सडे, 3 दिन के बाद, 4 दिन के बाद हम चले जाएंगे क्या कहते हैं हैदराबाद सुबह 7 बजे। और दूसरी बात बता दूंगा इसकी, मैंने शायद आपको इससे इस व्लॉग से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं नानी जान के घर जाऊंगा अकेले, 7 किलोमीटर नानी जान आई हुई है लाड़काना में। तो अभी हम अकेले जाएंगे नहीं, अब बस इस व्लॉग के बाद सीधा जो है हम मंडे को निकलेंगे सुबह 7 बजे ऑफिस के लिए हैदराबाद। हैदराबाद से में जब हम जाएंगे तो पहले घर जाएंगे, सामान उतारेंगे, उसके बाद फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो अच्छा, दूसरी बात ये कि अभी ये जो दूसरा मैं ये लंबा टूर कर रहा हूँ हैदराबाद, तो लाड़काना से हैदराबाद का, तो इसमें मुझे 4 पार्ट बनानी चाहिए या 2 पार्ट बनानी चाहिए? 4 पार्ट मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि डिटेल से वीडियो आ जाएगी, दिन को शायद 5 5 भी बन जाए पार्ट्स, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डिटेल से बताऊँ। बाकी जो आप लोगों को अच्छा लगे आप मुझे बताइएगा कमेंट्स में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं आज के नए मोटो ब्लॉग की तरफ। घर से निकले और मेरा छोटा भाई पीछे बैठा होगा, हमारी छोड़ी छोटी ना पानी लड़का ना की इसलिए तो मुझे बहुत अच्छा एंगल लग रहा है। असल में मैं ये देखना चाहता हूँ कि उस मिरर वो उस हेलमेट में ये होता था कि जब मैं मिरर में देखता था तो कैमरा नीचे हो जाता था, अब इसमें होता ही नहीं होता, वो देखते हैं। ये हम अभी गजन के चौक रात को भी जाए बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है, विजिबिलिटी बिल्कुल क्लियर है। बोला अदील सही पकड़ो मुझे, सही याद ही बैठो। चलो एक मिनट गाइस, एक मिनट गाड़ी रुको, मोबाइल मुझे दो, मोबाइल मुझे दो, या चलती हुई गाड़ी में कैसे व्लॉग भरोगे? और पकड़ो मुझे, चलो शायद अभी हम पाकिस्तानी चौक पे हैं, लेकिन इस वक्त लाइट है नहीं 10 बजे, तो आपको शायद लाइटिंग सही क्लियर आपको नजर आ रहा हो, लाइटिंग ऐसी हो रहा होगा, उसके लिए मैं मदद कर रहा हूँ।
जैसे कि मैं न्यूज एक्चुअली नहीं देखता हूँ ना जब भी, तो उसमें मसला होता था। अब बता नहीं इसमें हो रहा है कि नहीं हो रहा। जैसे कि मैं अभी मिरर में तो बंदा देखता था, थोड़ा चेहरा बंदा नीचे करता है, तो उसमें उसको हेलमेट में मतलब कैमरा नीचे हो जाता था। अब इसमें हो रहा नहीं हो रहा है मुझे नहीं मालूम, वो जब मैं गुफा वाला देखूँगा तब सही मालूम पड़ेगा। तो जो भी मेरा सारा ख्याल जो है सही क्या कहते हैं ड्राइविंग पे है वो यार। एक तो छोटा भाई जो है ना ये 125 मीटर से ज़्यादा होता है, थोड़ा फिर तो झटका देता है, ये सही बैठता नहीं है। छोटों का यही मसला होता है यार, छोटे भाइयों का बच्चों के दामों में समझाना पड़ता है। के आपको सही नजर आ रहा होगा, मुझे तो जहाँ तक समझ में आ रहा है कि सही नजर आ रहा होगा आपको। तो ये हेलमेट अच्छी फिटिंग में भी है, वो असल में फिटिंग में सही था भी नहीं, तो इसको जैसे पुराना सारा जब भी एक्सीडेंट होता है तो जो फिटिंग में नहीं होता तो वो हेलमेट किसी काम को नहीं तो मुंह उतर जाता है। तो ये बिल्कुल फिट है, एक अच्छी बात है। ये सीधा बाइक जहाँ जिसके पिछले ब्लॉक से हम जो है यहाँ से हम गए हुए थे, दूसरे ब्लॉक तो गए हुए थे हम सीधा लेने GPS। यहाँ पे है 1160 पेट्रोल पम्प, यहाँ हम अभी फ्यूल डलवाते हैं, फ्यूल करवाते हैं इसको। अभी लो बा यार फुल करिए सर। राइज 8.79 का लीटर डला है और मतलब फ्यूल ख़त्म ही होने वाला था इसका, मतलब क्या 9 लीटर का। बल्कि 9.2 ही था शायद, 9 था 9.2, लेकिन अभी दोबारा फुल हो गया। वैसे कि 9.2 पर मैं थोड़ा ये कम रखने हैं को बारे में भी नहीं कहता हूँ, तो ये 9 लीटर और तक मेरे ख्याल रखते हैं, या 9 लीटर से थोड़ा ज़्यादा कर लें आप। अभी क्या है कि इसी पेट्रोल में हम कल मंडे को फिर जाएंगे, क्या कहते हैं हैदराबाद सुबह 7 बजे, पुणे 7 या 7 बजे। तो गाइस ये था आज का हमारा मुख्तसर व्लॉग, बल्कि मोटो ब्लॉग। तो मैं चाहूँगा आपसे ज़्यादा इन तरह अगले ब्लॉग को मिलते हैं, लेकिन इस वीडियो को हर दफ़े की तरह यही गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग ब्लॉग मिल सकें। अपना ख्याल कीजिएगा गाइस, बाय बाय।